गाजीपुर जनपद में दो बार नगर निकाय का चुनाव लड़ चुके विवेक कुमार सन्नी, जो 2012 के चुनाव में निर्दल और 2017 के चुनाव में उनकी माताजी ने चुनाव लड़ा, वहीं इस बार उन्हें पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया और उन्हें चुनाव से महरूम होना पड़ा। इन्हीं सब से देखते हुए आज उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजा है। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी से मेरा मोह भंग नहीं हुआ है, मेरी विचारधारा सोशलिस्ट है, लेकिन अभी हो रहे नगर निकाय चुनाव जो अभी संपन्न हुए हैं, इसमें जो सदर के विधायक माननीय जयकिशन साहू जी हैं, उनका रोल बड़ा संदिग्ध था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सौदा कर लिया था, चूँकि 2022 के चुनाव में वर्तमान के चेयरमैन विनोद अग्रवाल जी द्वारा उनकी काफ़ी मदद की गई थी। और आपने इस चुनाव में भी देखा होगा संगीता बलवंत जी का रोल, जो सारी दुनिया ने देखा है कि संगीता बलवंत जी ने इंटरेस्ट नहीं लिया उनके चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, तो ये डील बहुत पहले हो गई थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो कमेटी बनाने की बात की गई थी और उसकी संस्तुति पर टिकट देने की बात कही गई थी, तो उसमें मुझे लगता है कि हमारा नाम गया था लखनऊ पर, सदर विधायक जी ने व्यक्तिगत हित को ऊपर रखते हुए पार्टी हित को पीछे करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गलत प्रत्याशी का चयन किया गया, जिसका कि वोट आप 13 को रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे ही। और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र उत्तम जी को ये कहना, धमकी देना कि मेरे हिसाब से अगर टिकट नहीं मिलेगा तो मैं पार्टी का कोई काम नहीं करूंगा, और तमाम ऐसी बातें करना कि तन मन धन लगा करके जिताऊंगा, नहीं जीता पाया तो मुझे चपरासी बना दिया जाए, इस तरह की बात एक विधायक द्वारा शोभा नहीं देती है अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। तो इन सब बातों को देखते हुए ये मुझे समझ में आया कि समाजवादी पार्टी में अब मेरा कोई भविष्य नहीं है। विधायक जयकिशन साहू जी के रहने तक, उनके विधानसभा के सदस्य रहने तक मैं इस पार्टी से दूर हो रहा हूँ, बाकी अपने सारे कार्य सामाजिक कार्य में करता रहूँगा।